नमस्ते नमस्ते शर दीदी नमस्ते कुमार भैया नमस्ते टू एवरी वन प्रेजेंट तो, तो सुबह हिंदी सत्र को शुरू करते हो आज हम लोगों ने अंग्रेजी में शंकर भैया और मैथिली दीदी को सुना और आज हिंदी के सेशन में पंकज भैया और अनिल अहिलावत भैया की शेयरिंग है तो भैया पंकज भैया को आमंत्रित कर लेते हैं कुमार भैया नमस्ते जी नमस्ते दीदी सुनील भैया शर्मा जी सभी को नमस्ते बिल्कुल दीदी नमस्ते पंकज भैया जी अपराजिता दीदी नमस्ते जी सभी को नमस्ते जी मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रख देती हूँ भैया फिर आप बात रखिएगा पंकज भैया लेक्चरर है फिजिक्स सब्जेक्ट पे वो गवर्नमेंट झारखंड में, में। भैया ने जुलाई 2021 में यूएचपी वर्कशॉप पहला यूएचपी वर्कशॉप किया था उसके बाद भैया कई सारे वॉल्टियरिंग एक्टिविटीज में अपना योगदान दे रहे हैं 2021 दिसंबर से पीपीआई कॉलिंग हो हेल्प डेस्क हो इस तरह से या इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन हो उसमें भी भैया योगदान दे रहे हैं और कई सारे फेस टू फेस एसआईपी जो कॉलेजेस में हो रहे हैं भैया उसमें uh, इस कंटेंट को भी uh, रख रहे हैं और भैया आगे बात को रखेंगे आप भैया स्वागत है ये फिर से नमस्ते सभी को आ, ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं यू का अपना अनुभव साझा करने का मौका मिल रहा है मैं पंकज कुमार जैसा दीदी बताई है राजकीय पॉलिटेक्निक खरसामा में के व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ मेरी यू के ज्ञान को हासिल करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जिनका भी योगदान रहा है मैं उन्हें सादर नमन और आभार व्यक्त करता हूँ साथ ही सभी को एक्सप्लोरर को मेरा सादर नमन मैं चौथी बार सुबह के सत्र से जुड़कर अभ्यास एक में स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने और अभ्यास दो में मैं और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखने के क्रम में जो भी अस्पष्टता बनी है या स्वयं में जो भी गति बनी है या स्वयं में जो भी परिमार्जन हुआ है या उन अभ्यासों को मैं स्वयं अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया हूं उसे आप सबों से साझा करने जा रहा हूं इस सत्र में भी कुछ अपरिहार्य कारण बस निरंतर और सम्यक अभ्यास नहीं कर पाया हूँ फिर भी इस दौरान मेरे ज्ञान में जो भी परिमार्जन हुआ है मैं क्या हासिल कर पाया हूँ उस अनुभव को आप सभी से साझा करता हूं मैं को समझने के क्रम में स्वयं एवं शरीर के सह अस्तित्व स्वयं और शरीर की गतिविधियों को अलग अलग देख पाने में थोड़ी गति बनी है सही समझ के आधार पर स्वयं की योग्यता बढ़ी है मेरे मानवीय आचरण को सही समझ के आधार पर मैं स्वयं के आचरण में परिमार्जन ला पाया हूँ इसमें अस्पष्टता बढ़ी है जब मैं स्वयं के दुखी होने का विश्लेषण करता हूँ तो पाता हूँ कि रिश्तों में संतुष्टि की कमी भौतिक सुविधा का अभाव नहीं बल्कि सही समझ का अभाव है इसी क्रम में चाहना और जरूरत में भी अंतर कर पाया और चाहना को सही समझ के आधार पर पूर्ण करने को प्रयासरत हूँ यूएचबी भी दो के कार्यशाला के दौरान ही स्वयं पर ज्यादा समय देने का प्रयास कर रहा हूँ किंतु मान्यता के कि कारण कभी कभी शरीर को ही मैं मानने की भूल कर बैठता हूँ सही समझ के आधार पर मेरे आचरण और व्यवहार में भी निश्चिंता बढ़ी है इसे देख पा रहा हूँ वर्तमान में सही समझ सही भाव और सही समझ के आधार पर भौतिक सुविधा प्राप्त करने में प्रयासरत हूं और जीवन जीने के क्रम में शरीर के बजाय स्वयं को केंद्र में रख रहा हूँ हाँ शरीर के पोषण का भी पूरा पूरा ध्यान रखने हेतु तो प्रयत्नशील हूं ताकि शरीर स्वस्थ रहे और उसको मैं एक टूल के रूप में अच्छा से उपयोग में ला सकूं। समाज पूर्वक जीवन जीने के क्रम में मुझे स्वाभाविक रूप से स्वीकार क्या है उस पर बरबस ध्यान जाने लगा है जो मेरी सही समझ को विकसित करने में मदद करती है यह भी देख पाते हैं कि जब मेरी भावना मेरे सहज स्वीकृति के अनुरूप रहती है तो मैं हारमोनी में रहता हूँ संगीत में रहता हूँ व्यवस्था में रहता हूँ सुखी रहता हूँ अभी कभी कभी विरोध का भाव आ जाता है जिसे निरंतर कम करने के प्रयास में लगा हूं ताकि जीवन में सुख की निरंतरता पा सकू इसमें थोड़ी और स्पष्टता बनी है कि शिक्षा से ही मेरा संस्कार परिमार्जित हो सकता है और वह हमें ब्लॉक बी टू से ब्लॉक ब्लॉक बी वन में अर्थात चिंतन बोध अनुभव की ओर ले जाने में सक्षम होगा अब मैं अभ्यास एक और अभ्यास दो में मेरी क्या समझ बनी है मेरी समझ कितनी बढ़ी है इसे स्टेप वाइज साझा करने का प्रयास कर रहा हूं अभ्यास एक के स्टेप एक में स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का प्रयास करने के क्रम में कल्पनाशीलता में चल रहे इच्छा विचार आशा पर ध्यान दिया और पाया कि कल्पनाशीलता मुझ चैतन्य में अनबरत चल रही है शुरू में मैं इच्छा विचार और आशा पर मेरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था ध्यान देने के क्रम में भटकाव भी हुआ और पाया कि जिसे मैं महत्व देता हूँ महत्वपूर्ण मानता हूँ प्राथमिकता देता हूँ कल्पनाशीलता को देखते हुए थोड़ी गति हुई तो भाव को विस्तार देते हुए उनके आय नौ आयामों पर ध्यान जान, जाने लगा जैसे विश्वास सम्मान स्नेह ममता बात्सल्य श्रद्धा गौरव कृतज्ञता और प्रेम भाव के इन आयाम और पर बार-बार ध्यान जाने लगा है खासकर विश्वास कृतज्ञता और प्रेम पर ध्यान जाने लगा है कल्पनाशीलता में चल रहे भाव को देखने के क्रम में ब्लॉक बी2 एवं बी1 पर ध्यान गया तो पाया कि मेरी कल्पनाशीलता ब्लॉक बी2 के चित्रण तुलनान चयन आस्वादन और विश्लेषण में घूमता रह रहा है जबकि ब्लॉक बी1 के चिंतन बोध और अनुभव का अनुभव करना है किंतु बार-बार ब्लॉक बी2 में ही कल्पनाशीलता चली जाया करती है साथ ही यह भी देख पा रहा हूँ कि पिछले सुबह के सत्र की तुलना में इस सत्र में परिमार्जन हुआ है इसमें गति गति आई है। मैं मेरी मेरी के लिए मेरी कल्पना में चल रहे इच्छा विचार और आशा को अलग अलग करके देखने का अभ्यास रत इस पर ध्यान बनाए रखा कि मैं चाहता क्या हूं मेरी चाहना सुखी होना है इस पर स्वाभाविक रूप से ध्यान जाने लगा है इसी क्रम में पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि यदि सामने वाला व्यक्ति दूसरे मेरे अनुकूल व्यवहार करता है तो मैं सुखी रहता हूं अर्थात मेरा सुख दूसरे पर करता है, और यह तो परतंत्रता है मुझे परतंत्र नहीं स्वतंत्र रहना है साथ ही प्रतिकूल परिस्थिति में भी स्वयं के भाव को का मूल्यांकन करने लगा हूँ दूसरे से प्रभावित होने ई होने पर अनायास ही ध्यान उस पर चला जाता है कि मैं प्रभावित हो रहा हूं जो दुख का कारण होगा इसमें भी अस्पष्टता बनी है कि सुख स्वभाव है प्रभाव नहीं और जैसे ही प्रभावित होने लगता हूं ध्यान उस पर जाता है कभी-कभी इसमें ध्यान जाने में थोड़ी ज्यादा देर हो जाया करती है जीवन जीने में इच्छा के स्रोत पर ध्यान देने पर पाता हूँ कि मान्यता या संवेदना के आधार पर भाव तो संवेदना का ही गुलाम बनाकर रखता है संवेदना के बारे में कई बार स्पष्टता नहीं आ पाई है शुरुआत में मान्यता तथा तो सही समझ में अंतर नहीं कर पाता था किंतु इसमें थोड़ी गति आई है मैं के द्वारा स्वयं को स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता को सहज स्वीकृति के आधार पर सार्वभमिकता निर, निरंतरता निश्चितता के आधार पर जांचने पर पाया कि स्वाभाविक स्वीकृति के आधार पर ही कल्पना कल्पनाशीलता सही है यही सुख है यही व्यवस्था में जीना है यही संगीत में जीना है यही लक्ष्य है अभ्यास एक के स्टेप दो में भाव का स्वमूल्यांकन करने के दौरान या यूं कहें कि भाव का मूल्यांकन करते हुए जीने के दौरान इसकी स्पर्थता बने की संबंध स्वीकार्य होना और संबंध का भाव होना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं जीने का मूल्यांकन करने पर इस पर ध्यान गया है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसके पीछे के भाव ही मेरे सुख दुख का कारण होते हैं सुखी जीवन में भाव निर्णायक भूमिका अदा करती है इस स्टेट में स्वयं में सहज भाव मानवीय भा, स्वभाव के अनुरूप भावों को देख पाने में सक्षम हो पा रहे हैं और स्पष्ट हो रहा है कि मैं इन भावों की निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूँ अभ्यास एक मूल्यांकन करते हुए जीने में पाया कि जो भाव मुझे सहज स्वीकार मैं आराम में रहता हूँ जबकि जो सहज स्वीकार नहीं है उसमें परेशान रहता हूँ दुखी रहता हूँ इस प्रकार मैं सुख दुख के अंतर को देख पा रहा हूं मेरे भाव पर बड़बस ध्यान जाने लगा है जिसे मैं अपनी उपलब्धि मानता हूं अभ्यास एक की स्टेप चार में कल्पनाशीलता में चल रहे भाव को कौन तय करता है इसको देखने के दौरान पाया की स्वयं में चल रहे भाव चाहे वह संबंध का हो या फिर विरोध का मुझमें कौन सा भाव चले इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ इसका निर्णय मेरा रहता है बाहरी परिस्थितियां मुझे सिर्फ उत्तेजित करती हैं इस प्रकार पाया की मेरे सुखी या दुखी होने का निर्णय मेरा ही है इस अर्थ में अपने सुख दुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ जबकि पहले तो यह समझ थी कि सामने वाला व्यक्ति मुझे दुखी कर गया, यही सही समझ के आधार पर शब्दों को अर्थ नहीं देता था। इसका भान हुआ और शब्दों को अर्थ देने में सतर्कता बरत रहा हूँ इस पर सजगता से ध्यान जाना जाने लगा है शिकायत मुक्त जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ अभ्यास एक के स्टेप पांच में जीने में निर्णय के आधार पर ध्यान दिया तो पाया कि सही समझ अर्थात सहज स्वीकृति के आधार पर जीने पर सहज रहता हूँ सुखी रहता हूँ जब समझ के आधार पर भाव का कर निर्णय करता हूँ तो सही सहज भाव का निर्णय कर मैं आराम में रहता हूँ इसके उलट जब मान्यता के आधार पर भाव का कर निर्णय करता हूँ तो संगीत व्यवस्था की, की निश्चितता नहीं रहती है और इस पर ध्यान जाने लगा है अभ्यास एक के स्टेप सह को जीवन में जीने का अभ्यास करते हुए पाया कि सही भाव को सुनिश्चित करने के लिए सही समझ आवश्यक है सही समझ धीरे धीरे विकसित हो रहा है सही समझ के आधार पर भाव आवश्यक है अर्थात संबंध में में मेरी भागीदारी में चिंतन की आवश्यकता है अर्थात संबंध का स्पष्ट होना आवश्यक है संबंध की हो रही है व्यवस्थित जीवन पहले भी जीना चाहता था जी भी रहा था किंतु अब उसमें अस्पष्टता के साथ गति मिल रही है अब जीने में व्यवस्था का भाव मने रहने हेतु अधिकांश समय उस पर ध्यान जाता है यह भी देख पा रहा हूं कि संबंध व्यवस्था सहस्तुत्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार्य होता है इसलिए संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व को समझना मेरी मूलभूत आवश्यकता है इस पर बरबस लाभ भी मिलता है अभ्यास एक के स्टेप साथ में सही समझ के साथ अधिकांश समय जीते हुए संबंध के भाव के साथ रहता हूँ और विरोध का भाव आते ही असहज होता हूं इस पर सजगता बढ़ी है यह ध्यान में आने लगा है कि मैं निर्णय पूर्वक अपने भाव को संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व के भाव में परिमार्जित कर रहा कर मैं सुखी होता हूँ संबंध व्यवस्था सहअस्तित्व को संपूर्णता में समझने के आधार पर हमारा भाव सहज रूप में संबंध व्यवस्था सहस्तित्व के अर्थ में होता है इसकी सजगता आशा अनुरूप नहीं हुई है इस प्रकार अभ्यास एक के स्टेप एक से सात तक मुझ में जो भी परिमार्जन हुआ है या मैं जिसे देख पा रहा हूं वह मैं आप सबों से साझा किया हूं अब मैं अभ्यास दो के स्टेप एक से स्टेप सात तक मुझ में जो परिमार्जन हुआ है या गति बनी है उसे मैं आप सब से साझा कर रहा हूं अभ्यास दो के स्टेप एक में मैं के द्वारा मैं और शरीर को देखने के क्रम में मैं और शरीर की क्रियाओं के आधार पर अंतर कर पाता हूं, लेकिन इस पर ध्यान देने पर ही दोनों की अलग अलग वास्तविकता का बोध होता है मैं और शरीर के स्वाभाविक अंतर का बोध हमेशा नहीं रहता है कभी कभी भूल कर बैठता हूं। मैं है शरीर है यह दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं है, सजग रहने पर एहसास होता है अभ्यास दो के स्टेप तीन में यह भान होता है कि निर्णय तो मैं ही लेता हूँ और इसमें भी अस्पष्टता आ रही है कि मैं ही दृष्टा करता और भोगता है शरीर नहीं शरीर तो साधन मात्र है मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है शरीर को क्या संकेत देना है किस संवेदना को पढ़ना है इसका निर्णय मैं लेता हूं मैं संवेदना से दूर होते हुए संवेदना को पढ़ पाता हूं मैं और शरीर के बीच दूरी है इसकी अस्पता में थोड़ी और गति बनी है अभ्यास दो के स्टेप चार में मैं और शरीर के बीच की दूरी को देखने के क्रम में सिर्फ इतना ही समझ बनी है कि मैं और शरीर दोनों दो अलग अलग इकाई है क्योंकि दोनों दो अलग अलग इकाई है अतः इसमें दूरी है इसे और भी बारीकी से मुझे देखने की आवश्यकता है अभ्यास की आवश्यकता है जिसमें सतत लगा हूं अभ्यास दो के स्टेप पांच में बाहर की घटनाओं का तथा बाहरी परिस्थिति का मुझ चैतन्य पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर प्राय ध्यान जाने लगा है और यह भी बोध होने लगा है कि मैं बाहर से प्रभावित हो रहा हूँ और उस समय सजगता के साथ सही समझ के आधार पर निर्णय कर पाता हूँ बाह्य परिस्थिति का प्रभाव मेरे शरीर तक पहुँचता है उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ उसे अर्थ देता हूँ उसे प्रभावित होता हूँ नहीं होता हूँ प्रक्रिया देता हूँ या फिर अनुप्रिया देता हूँ इस पर ध्यान जाने लगा है लेकिन कभी कभी बाहर की परिस्थिति से प्रभावित हो जा रहा हूँ जैसा मैं स्वयं हूँ वैसा देख पाने में अभी भूल हो जाया करती है संवेदना को अर्थ देने और उसका मुझ पर जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर अभी कम ही अस्पष्टता बन पाई है गति थोड़ी बनी है अभ्यास दो के स्टेप छ में बाहर की घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया के देखने के क्रम में पाया कि बाहर तो प्रतिक्रिया कम हो रही है किंतु मेरे अंदर प्रतिक्रिया चलता रहता है अंदर की प्रतिक्रिया में स्वाभाविक रूप से जाने ल, लगा मैं अपने स्वभाव को निश्चित भाव में बने तो निरंतरता बने रहने की निरंतरता तो नहीं आई है किंतु उस निरंतरता की का अंतराल बढ़ा है संवेदना को पढ़ने के आधार पर दूसरे का व्यवहार कार्य का आकलन का करने के क्रम में दूसरे का व्यवहार कार्य ध्वनि शब्द अभी मेरे भाव को प्रभावित करता है जिसे मैं सही समझ के आधार पर निर्णय लेने का प्रयास करता हूँ अभ्यास दो के स्टेप साथ में मैं और शरीर का शून्य में सुन्ने में 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 और शरीर के में बने होने थोड़ी और बढ़ी है मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है मैं निरंतर क्रियाशील हूँ शरीर का होना भी शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है मैं आवश्यकता अनुसार शरीर के साथ सूचनाओं को का आदान प्रदान करता हूँ इस आदान प्रदान के आदान प्रदान में का माध्यम शून्य है।, है इस बात की स्पष्टता बढ़ी है कि स्वयं के चैतन्य के विकास के लिए मेरा शरीर मेरे लिए एक उपयोगी साधन है और इस साधन को भी दुरुस्त बनाए रखना है स्वयं के वैभव के रूप में अपनी वर्तमान के साथ साथ परस्वस्था में अपनी सामाजिक भागीदारी के अर्थ में समय लगाने का सवाल है तो उस पर उस, उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी अपनी भागीदारी संस्थान के अलावे दूसरे नजदीकी संस्थान में तथा विश्वविद्यालय में मैं अपनी जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए तत्पर हूं और प्रयासरत हूँ साथ ही यथाशीघ्र मानवीय मूल्य को आत्मसात करते हुए जीवन में अभ्यास करते हुए रिसोर्स पर्सन के तौर पर अपनी योग्यता बढ़ाने में लगा हुआ हूँ अब मैं अपना कमिटमेंट के बारे में बात करता हूं जो इस प्रकार है यूएचबी में वॉलेंटियरिंग जारी रखना चाहता हूं यूएचबी के प्रोजेक्ट में सक्रियता पूर्वक कार्य करना चाहता हूं यू एच को ऑनलाइन ऑफलाइन में का वर्कशॉप करना चाहता हूँ संस्थान में पिछले दो सेशन से ही मैं यूएचबी सेल का गठन करना चाह रहा हूं, जो अभी तक नहीं कर पाया हूँ समय की अनुकूलता नहीं हो पा रही है संस्थान के अधिक से अधिक छात्र को एस करवाना चाहता हूँ जिसमें कुछ सफलता भी मिली है कुछ बच्चे किए भी हैं अभी मैं परिवार के साथ बृहद परिवार में अपनी भागे, भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु आगे बढ़ रहा हूँ जी दीदी जी नमस्ते भैया जी बहुत बहुत अच्छा आप किया बहुत बढ़िया बिंदुवार तरीके से आपने बात को रखा और कुमार भैया को देते हैं कुमार भैया आप भैया शेयरिंग को लेके कुछ ऑब्जरवेशन अभी रखेंगे जी बहुत बढ़िया शेयरिंग रही पंकज भैया की पंकज भैया की कुछ व्यस्तताएं हो जा रही है मेरी आवाज भी क्लियर भी आ रही है जी जी भैया जी पुनः पुनः नमस्ते भैया जी नमस्ते भैया कुछ आपकी व्यस्तताएं हो जा रही हैं आ, मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ही उनसे थोड़ा सा निवृत्त होंगे जी टारगेट मतलब आकर जी जी टारगेट लिया हूँ इकतीस तक जो भी है उसको कंक्लूड कर फ्री हो जी जी भैया तो आप बैच को मुझे लगता है कि नियमित रूप से अटेंड कर पाएंगे जी जी आप, ये पूरा प्रयास है जी भैया मुझे लगता है ये तीसरी बार रहा भैया आठवां जो बैच रहा जो आपने मॉर्निंग सेशन अटेंड किया तीस, तीसरी बार रहा तीसरी बार तीसरी बार रहा तो ध्यान तो आपका अभ्यास के सारे बिंदुओं पर चला गया है और आपसे बात करके ऐसा लगता भी है कि आप उन मुद्दों पर विचार भी कर रहे हैं आपका पहले से अधिक भाव की ओर ध्यान गया है और मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट को एक बार और सुनना है उसके लिए भी थोड़ा समय निकाल कर रखें तो प्रस्ताव की और स्पष्टता भी बन जाएगी जी शब्दों के अर्थ में जो और जाने की जरूरत है उसकी और स्पष्टता बन जाएगी और थोड़ा सा चूंकि आप जो टेक्निकल एजुकेशन में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग आपका पॉलिटेक्निक का प्रोग्राम है इसलिए नियमित कार्यक्रम के रूप में भागीदारी कॉलेज में उस तरह से नहीं शुरू हो पा रहा जी परंतु तो आपका प्रयास तो बना हुआ है और अच्छी बात है भैया अगर वहाँ बिहार और झारखंड में आप लोग कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर पाते हैं आप ये देख लीजिए आपको छुट्टियां अगर लेनी हो तीन चार दिनों की उसके लिए कैसी अनुकूलता है तो उस सर छुट्टी मिल जाएगी उसमें छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं है हाँ तो आप वर्कशॉप प्लान करिए सेल्फ हंडेडी अगर आप प्लान करते हैं तो आप किसी रोल में जा सकते हैं और आपको हम लोग यहाँ से पूरा सहयोग करेंगे कोई ना कोई रिसोर्स पर्सन पहुँचेंगे वहाँ पर जो आपका सहयोग भी कर पाएंगे जी जी भैया साथ साथी हैं जी जी भैया है। हाँ बताइए यहाँ एक आर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है तो वहाँ मैं गया था बच्चों का इंडक्शन प्रोग्राम में तो वहाँ के डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर दोनों चाह रहे थे करवाना तो वहाँ जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ऑर्गेनाइज करने के लिए तो मैं यहाँ दिलीप भैया से भी बात किया था तो वो मुझे ही कह रहे हैं सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने के लिए जो कॉरेस्पेंडेंस करना है तो मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ तो इसको इकतीस दिसंबर तक मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ जनवरी में मैं फिर बीस को मुझे बुलाया गया था वहां फिर दूसरा टॉपिक पे तो वो लोग इंटरेस्टेड है और उनका स्टाफ ही अस्सी नब्बे के करीब है तो यहाँ एक हो सकता है जो जल्दी और आसानी से तो इसको देखता बिल्कुल ऐसी कई संभावनाएं हैं और बिहार में आप हैं सीमा जी हैं मैं और भी कई साथी हैं जो नियमित रूप से बड़े सत्र में भी जुड़े हुए हैं और वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हैं तो आपको तो थोड़ा प्लान करें अगर समय की मुझे लगता है कमी लग रही है एक बार समय आप दे पाएंगे तो फिर कार्यक्रम खड़ा होने लगेगा जी जी भैया और इसमें बहुत आनंदित रहता हूँ ये जो रहता है तो सही में सुख महसूस करता हूँ इसलिए ये चाहता हूँ जी बिल्कुल और वीकली मीटिंग्स में या टीम डेवलपमेंट की मीटिंग्स में आप अपना सेशन दीजिए पहले जी, तो जी प्रस्तुति देते हुए आपको कंटेंट की और पकड़ बनेगी जब दूसरे साथी हमसे प्रश्न करते हैं तो हम अपने अंदर उस क्षण में जिस तरह से एक्सप्लोरेशन करते हैं तो हमारा बारीकियों पे ध्यान चला जाता है और शब्दों के भी अर्थ हम ठीक से उतर पाते हैं तो मुझे आपके साथ जो मुख्य कठिनाई लग रही है वो ये है कि किन्हीं कारणों से समय नहीं दे पा रहे समय देंगे तो फिर और अच्छी गति बनेगी जी जी भैया तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना भी आप जी भैया आभार भैया और आपकी बात सुनकर बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता हूँ और इसको करने को और भी उत्साहित होता हूँ जी भैया आभार नमस्ते नमस्ते